श्रीमत परम गंभीर स्यादवाद अमोघ लांछनम जीया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। व्यवहार नय की चर्चा चल रही है। व्यवहार नय का विषयभूत आत्मा कैसा है उसके हम चर्चा कर रहे हैं। असद्भूत व्यवहार नय का आत्मा, असद्भूत व्यवहार नय की विषयभूत आत्मा ये संयुक्त आत्मा है, संयोगों को मिला के बात करता है ये। वैसे आप समझिए इसमें आठ प्रकार के अलग अलग आत्माएं दिखने वाली आपको, फिर ये बताऊंगा मैं ये आठ प्रकार की आत्माएं क्यों बताई, ये स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ गाड़ी बढ़ने वाली है, फिर उसमें से कौन सी आत्मा हम सच्ची माने, प्रयोजन पड़ने पर किसी का भी उपदेश दिया जा सकता है। आप पकड़ रहे, जिसको जो बीमारी है उस रूप से उसको उपदेश दिया जाएगा, क्योंकि भगवान ने प्रयोजन बिना कुछ भी नहीं कहा है। प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद जीव भी प्रयोजन के बिना काम नहीं करता। तो भगवान सर्वज्ञ देव ने आठों नयों का निरूपण किया है, उसमें कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर है। कोई भाई मुझे मिले और बोले साहब एक आध लड़का मिलेगा, क्या बात करते हो तुम, नहीं आप तो देखो आप किसी में सहयोगी नहीं करते। अरे मैंने कहा क्या बात करते हो, अच्छे से तो बताओ। अरे क्या बताना, मैंने बोल दिया ना लड़का चाहिए तो मिलेगा क्या। मैंने कहा देखो भाई लड़का चाहिए कहने से काम थोड़ी चलता है। बोलो तुमको झाड़ू पोछे के लिए लड़का चाहिए, तुमको काउंटर संभालने वाला लड़का चाहिए, तुमको पूरा मैनेजमेंट कर सके सेल्स कर सके ऐसा कोई लड़का चाहिए। बोलो और अच्छे से, लड़का चाहिए मतलब तुम्हारी लड़की के लिए कोई लड़का चाहिए क्या, शादी योग्य जमाई चाहिए क्या, अथवा कोई गोद लेना है क्या तुमको, लड़का लड़का चाहिए मतलब क्या। लड़के लड़के में भी कितना फर्क पड़ गया, नए नए में भी कितना फर्क पड़ता है, आत्मा आत्मा में भी कितना फर्क पड़ता है। एक इतनी प्रकार की आत्माएं पूरे जनागम में कही गई है। अब पकड़े मेरी बात को, पहली आत्मा संयोगी आत्मा बताई जा रही है, जिसमें अनुपात संयोगों से संयोगी दिखाई जा रही है वस्तु, अर्थात स्त्री पुत्र मकान दुकान से युक्त उस जीव को देखा जा रहा है, जिसको कह रहे हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, देश तक ये बात को आगे बढ़ाना है। देखिए, और इसने भी बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम करता है, कल हमने काफी सारी चर्चा देखी, इसने कितना हेल्प किया हमको इस नए ने, आज भी इसी पर चर्चा चलेगी और फिर आपको ख्याल में आएगा और भी ये कितना हेल्प हुआ। देखो, किसी को चाहिए हीरा, किसी को चाहिए हीरा, उसको तो ये कहा कि देखो तुम्हें भारत में हीरा मिलेगा। कितना उपकार किया है इस एड्रेस बताने वाले ने, क्यों भारत की जमीन में हीरा मिलेगा कहकर इतना उपकार किया है उसने। कितना उपकार किया है साहब, ये कोई साधारण काम है भारत की जमीन में मिलेगा, लेकिन ये भी कितना लाभदायक है, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे, हम तो इसको आकाश में, हम तो इसको पेड़ पर, समुद्रों में, हर जगह ढूंढने निकले थे, तो आज हमारी इतनी सीमा हो गई ना आलोक आकाश में जाना, आकाश में भी कहीं ऊर्ध्व राधो लोक में भी नहीं जाना, मध्य लोक में भी असंख्य द्वीप समुद्र में नहीं जाना, और मध्य लोक में भी बोलो असंख्य ये ढाई द्वीप में भी, इस भरत क्षेत्र में भी बोलिए, आर्यखंड में भी, सब जगह नहीं, इंडिया में जमीन में मिलेगा। कितना बड़ा उपकार किया है इसने। हालांकि इससे कोई हल नहीं हो रहा ज्यादा, लेकिन इतना तो उपकार जरूर किया, तो इन्होंने इतना उपकार जरूर किया अपने ऊपर उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, क्या हमारी सीमा बांध दी, क्या हमारी समाज हमारा देश या हमारी सीमा बांध दी है। हमारा देश कहते ही हम वहां से तो निवृत्त हो गए, कहां से निवृत्त हो गए, अन्य देशों पर ना हमारी उन पर चलेगी ना हमारी कोई जिम्मेदारी भी है उनके प्रति,
ये एक देश उदाहरण है, भूकंप आने पर तो इनको भी अपन कुछ ना कुछ करते ही है, ठीक है। हमको कन्फाइनमेंट कराया, पास में लाया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। और थोड़ा आज नोट करते आगे बढ़ेंगे। और सुनो, और एक बात कहनी थी, और कहा तो इसको भी आत्मा है, कहा तो इसको भी क्या है, आत्मा। संयोग से युक्त 96,000 रानी के बीच में देखो वो जीव, वो पूरे को जीव बोला जा रहा है। देखिए जैसे जंगल में हम निकलते हैं, ये क्या है कोई पूछे, बड़े बड़े पत्ते थे, बड़े बड़े पत्ते झुक रहे थे, और छोटा था कुछ चीज, छोटी चीज है जिसको स्टेम में लकड़ी वकड़ी नहीं है। किसने पूछा ये क्या है, बोलो, केला है। क्या है ये पहला वाले नहीं, मैं बता रहा हूं, हीरे का उदाहरण भी फिट करो वहां पर, और केले का भी उदाहरण फिट करो, ये क्या है, केला। नहीं नहीं ये बेर नहीं है, नहीं ये तो आम तो हो ही नहीं सकते, ये तो केला है, केला। केले का कितने जन्म देखा है वृक्ष, उसको भी क्या कहेंगे, केला। अथवा 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 ऐसा भी कह देते हैं, ये क्या है पूरा खेत में, ये पूरा आम ही आम है, पूरे पेड़ को आम कहा। अब पकड़ रहे सब मेरी बात को, बादाम का पेड़ है, क्या बोलेंगे उसको, उसको भी बादाम कहते हैं। आम के एक एक यूनिट को आम कहते हैं। अब जानते हैं उसके बीज को, उसके स्टेम को, उसकी पत्ती को, उसकी छाल को, उसके फल को, उसकी कच्ची चीज को, कैरी को, सबको आम संज्ञा है। बादाम के पेड़ को भी क्या कहते हैं, बादाम। अब समझते हैं मेरी बात को, ये हम सब जगह घटित करते जाएंगे आगे। ये जो उदाहरण दिया ना मैंने, किस किस के, आठ प्रकार के आत्माएं, फिर आम का, वृक्ष का, केले का, और बादाम का, और हीरे का, ये सब मुझे आपको याद दिलाना है। मैं नया नए चालू करूंगा, एक जन हाथ करके मुझे ये सब याद दिलाना, चलना है आगे। और थोड़ा सा आगे नोट करना है आपको आज, ये आप टेबुलर फॉर्म में नहीं करना हो तो टेबुलर फॉर्म में ना करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका पहला कॉलम तो क्या बनेगा कहां पर, मैं तो आपको बताता हूं, उतना उतना नोट करते जाओ। आपको मैं प्रश्न चाहो तो पूछ सकूंगा। देखिए जैसे चक्रवर्ती के खान पान की चर्चा आई, जानते हो चक्रवर्ती कैसा खाता पीता है, वो 100 भैंस का दूध 10 भैंस को पिलाया जाए, 10 भैंस का दूध 1 भैंस को पिलाया जाए, और उस दूध का जो भी चीज बनेगी मिठाई विठाई वो खाता है। जानते हो वो जो एक कौर खाता है चक्रवर्ती, कौर जिस लड्डू का, जो लड्डू खाता है उस लड्डू का एक कौर पूरी सेना मिलके नहीं पचा पाती, ये कौन से नए का कथन है, लड्डू खाता है। और जानते हो 365 रसोइयों की टीम है उसके पास, टीम जिसने आज रसोई बनाई है। आज क्या तारीख है, 19 दिसंबर, वो टीम अगले 19 दिसंबर को ही रसोई बनाएगी, तब तक विश्राम करेगी। ओहो, ये पूरा बताया जा रहा है। और चक्रवर्ती ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा भोग करते हैं, ये क्यों बताया जा रहा है इतना, कौन से नए का कथन है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, क्यों भोगना दिखा ना, करना और भोगना सीद्ध कहां पर, परद्रव्य को। अभी मेरा ये प्रश्न है साधारण सा, और उसकी ताकत बताई, वो इतना गरिष्ठ खाता है, अभी बताए ना पूरी सेना भी नहीं पचा पाती एक कौर भी, और यदि खाए ना पूरी सेना दस्त लग जाए नंबर 2 समझ में आता है। और सुनो एक दिन ऐसे बात हुई राज्यसभा में, ये भरत जी है इनकी पूरी ताकत, अपन लोग है, अपन हटेंगे तो इनकी क्या ताकत है, उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने दूसरे दिन क्या किया मालूम, उंगली टेढ़ी होने का नाटक किया, और वो हाथी बंधे सब बंधे, चक्रवर्ती की जितनी सेना है सब बांध दी उन्होंने, और कोई हिला नहीं पाया, और थोड़ा हिला दिया सब गिर गए, हुआ ना ऐसा। अब ये जब घटना आती है, ये कौन से नए का विषय, उपचरित एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, कुछ भी बोलना जानना, उपचरित सद्भुत व्यवहार में
परद्रव्यों के साथ, परद्रव्य में भी शरीर नहीं बाहर के। तो मेरा ये प्रश्न है, ये इतना सारा क्यों बताया, इसके कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है? ये प्रयोग में आएगा, प्रयोग, ऐसा प्रयोग जिनवाणी में हुआ, प्रयोग में ये बात, अब भी जो मैंने बोला ये सब प्रयोग की बात, इसका प्रयोजन क्या बताना आपको, प्रयोजन क्या होगा इसको बताने का? अब तो हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, अभी छोड़िए टेबल को, नहीं लिखना हो तो छोड़िए, अभी तक जो चलो क्या चला, प्रयोग, या ऐसा प्रयोग जिनवाणी में हुआ उपचरित सद्भुत व्यवहारने के लिए, इसके लिए प्रयोजन क्या? प्रयोजन ये है, देखिए देखिए सुनिए, मैं कैसा प्रयोजन बता रहा हूं। हमको मोक्ष जाना है, सब जगह प्रयोजन तो यही खड़ा चाहिए, मोक्ष जाना है, तो कहेंगे बाबा तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है अभी मोक्ष जाने की। खेर क्या हो गया ताकत होने को? अरे बाबा वज्रषभ नारच संगनन वाले ही इतनी ताकत पैदा करते हैं कि वे मोक्ष जा सकते हैं। तो दूसरा उसका प्रश्न क्या होगा नए जीव का, बोलो, वज्रषभ नारच संगनन क्या चीज है? उसको संगनन थोड़ी ना कुछ समझ में आता, तो उसको बताना तुम्हें नहीं पता, अरे उनकी ताकत इतना ऐसा खाते है, और जानते हो इतनी ताकत, वो हनुमान का जी बचपने में ऊपर से गिरा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ, वज्रषभ नारच संगनन उसको कहते हैं, हड्डी नहीं टूटनी, कुछ नहीं होना, और छह छह महीने तक भी कुछ नहीं, अडिग बने रहते हैं। कौन सा प्रयोजन की सिद्धि हो रही, कोई बताएगा? क्योंकि वज्रषभ नारच संगनन कहकर उसको समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए उसको ताकत दिखाने के लिए बाहर का शक्ति प्रदर्शन कराना पड़ा। कितने जन ने बात को समझा, क्योंकि ऐसी हड्डी है, वो हड्डी की कीमत कब समझ में आएगी, वो ये पत्थर फोड़ सकता है, इतनी ताकत है, क्या बात करते हैं, अभी ताकत की महिमा आई। तो ताकत की महिमा दिखाने के लिए पत्थर फोड़वाने की बात करते हैं लोक में, ठीक उसी प्रकार यहां पर समझना, क्या वज्रषभ नारच संगनन समझाना था तो समझाना पड़ा संयोग से ही, कि वो टूटता नहीं, गलता नहीं, आदि आदि। जानते हो अर्धचक्रियों के पास बहुत ताकत होती है, नारायण प्रति नारायण के पास, क्यों, क्या है तुम नहीं जानते? वो कोटिशिला होती है ना, कोटिशिला, उसको पूरी प्रथम नारायण, पहले नारायण जो होते हैं ना, वो पूरी ऐसे उठा लेते हो अपने हाथों से अपने ऊपर, इतनी ताकत होती है उनमें। अभी वो देखो, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार ने का प्रयोग किया कि पहाड़ को उठाया, ये क्यों किया? उनकी ताकत को दिखाने के लिए। ताकत को भी क्यों दिखाया हमने, कौन सा प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? क्योंकि मोक्ष की कैसे, कम्मे सुरा सुधम्मे सुरा, जिनको लोक में इतनी ताकत होती है, तो ताकत तो ताकत है, वही ताकत लोक की उन्होंने यहां पर लगाई, आत्मस्वन्मुख कर दी, नहीं तो वो निरंतर आकुलित क्यों है भाई, हम मोक्ष नहीं जा सकते, आत्मा तो है, धर्म ध्यान भी करते हैं, शुक्ल ध्यान क्यों नहीं हो रहा है, उपयोग भी है हमारे पास, सब है, अरे नहीं हो सकती उतनी ताकत तुमको। वज्रषभ नारच संगनन वालों के ही ये संभव है, वज्रषभ नारच संगनन, सुनो, वज्रषभ नारच संगनन से जीव को समझाना ये कौन सा नए है, ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं बता रहा हूं यहां पर, मैं तो ये बता रहा हूं वज्रषभ नारच संगनन कैसे बताते हैं उसको, बाहर से बताना पड़ेगा कि नहीं, क्या करते हैं, क्या भोगते हैं, आदि आदि, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण, आप पढ़ते हो पूजन में भी, वो पाठ में भी, आलोचना पाठ में है शायद, सीता प्रति कमल रचायो है, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से तारे कुदी, जय 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 जिन दे, ये कौन से नए का विषय है, कौन से नए का विषय है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है, क्योंकि भगवान हमको तारते हैं ऐसा कहना, ये नए हमने अपनी तरफ से लगाए हैं, भगवान के केवल ज्ञान में कोई नए नहीं होते, इसका प्रयोजन क्या है कौन बताएगा? देवों ने सीता प्रति कमल रचायो, चीर बढ़ायो, क्या है? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, द्रौपदी के प्रति चीर बढ़ाया, देवों ने सीता की रक्षा करी, देवों ने अंजना की रक्षा करी, अनंतमती की रक्षा करी,
क्या उचित है यह बताने का? साकल थोड़ी किसकी? मानतुंगाचार्य के जेल की। और बोलो आगे, व्यंत्रों ने तलवारें किलित कर दी। बोलो श्रुत सागर मुनि, चंदन बाला, देखो व्यंत्र ने कितना से, ये कौन सा नए का कथन है? ये उपचरित सद्गुण। प्रयोजन बोलो इसका, प्रयोजन क्या बताना है इसका? देखो भगवान की भक्ति करने से वे भी हमारी सेवा करने आते हैं। ओ भगवान की भक्ति करो, तो उपचार से ये भी कहेंगे भगवान ने हमको तारा। परमार्थ से समझना है भगवान के प्रति हमारी भक्ति ने तारा, और जब भगवान के प्रति हमारी भक्ति में इतनी दम है तो भगवान सर की सच्ची भक्ति करेंगे शुद्धोपयोग की, निहाल हो जाएंगे हम। प्रयोजन कितने जन को समझ में आया? हाँ, जिनको पुण्य भी चाहिए भगवान के समीप रहो, और भगवान के समीप रहना हो बोलो, लेकिन पुण्य की वांछा करके नहीं रहना, नहीं तो उनको नहीं मिलेगा। भगवान सरी का बनो, भगवान के दास मत बनो। प्रयोजन की सिद्धि यह होती है भगवान सरी का होने की भावना होती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग तो जब दिगंबरत्व का तो बहुत बाद में हमने धर्म अपनाया, मेरी समझो मुक्ति होने के बाद हम दिगंबर हो गए। हम फिर उसका हमने 45 दिन के बाद जो 8 मूल गुण दिलाते हैं ना, हमने कुछ नहीं दिलाया था ऐसा। मैं प्रश्न पूछूंगा अभी आपको। फिर हम खनिया धाना में आए, हमने बड़ा कार्यक्रम रखा, मुक्ति याद आ रहा है आपको? हाँ, तो उसमें 8 मूल गुण दिलाए मुक्ति को, जिस समय वो 8 साल की होने वाली थी ऐसा कुछ था। हाँ, तो आज से लगभग 5 साल पहले की बात हो गई है। तो ब्रह्मचारी भाई भी थे एक, वहाँ पर पूरी भीड़ आई थी, समाज को बुलाया था, तो उन्होंने एक बात कही सबके सामने, बोले कि मुक्ति को तो हम क्या अच्छा संस्कार दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति को संस्कार देने के भाव से हम अपना हित करते हैं। क्या बोला? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने मुक्ति को संस्कार दिया, ये कौन सा कथन? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। सच्चाई में क्या समझना? संस्कारित देने के भाव की, संस्कारित तो वो उसकी योग्यता से होगी, तभी तो नए है, नहीं तो नया भास है। सच्चाई में ऐसा मानने में क्या आपत्ति? उसमें तो पूरा लिखना है, ऐसा मानने तो मिथ्या तो हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध होगा, और कर्ता यदि सिद्ध होगा तो एक लड़का नालायक और एक लड़का अच्छा, ऐसे कैसे होगा फिर? तो ये तो नए कहो पर मानो मत की बात है। तो परमार्थ से क्या समझना? प्रयोजन की क्या सिद्धि होती है? इस प्रयोजन की यह सिद्धि होती है, उनको संस्कार हमने दिया, ये नई की लाइन। प्रयोजन की क्या सिद्धि हुई? हमने पुण्य बांधा, उनको संस्कार देने के भाव से हमको पुण्य बांधा, ये प्रयोजन की सिद्धि। ठीक है, आगे अब देखिए, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, पहला नहीं है ये भी, इससे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होगी और मानने में क्या आपत्ति? बोलिए प्रश्न। प्रयोजन की सिद्धि और मानने में आपत्ति, गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, हाँ मानने में, आपने मानने में आपत्ति पहले बताई, मानने में आपत्ति यह है यदि गुरु ही पढ़ाए, एक साथ इतने जन बैठे क्यों ज्ञान नहीं हो रहा बराबर सबको? एक बात, प्रयोजन की सिद्धि क्या हो रही है? प्रयोजन की सिद्धि यह होती है गुरु का रास्ता दिखाकर, तुम घर पर बैठे बैठे तुमको ज्ञान नहीं होगा, तुम उनके समीप जाओ, लेकिन उनके समीप जाकर भी तुम ध्यान दोगे उतना ही तुमको समझ में आएगा। लेकिन प्रयोजन की, गुरु से कहकर क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई? यह कि गुरु के पास वो गया, समझ में आता है? प्रयोजन की कुछ सिद्धि नहीं होती तो यह नए भी खड़ा नहीं करते फिर हम। क्या बोला मैंने? गुरु से ज्ञान नहीं होता, यह बात सच्ची है, लेकिन फिर भी बोला, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी? यह सिद्धि होगी कि वास्तव में इसके ज्ञान का विकास होगा, भले ही योग्यता से, लेकिन वो ज्ञान का विकास होगा, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, चाहे जो कुछ चाहे जिस पर्पज से नहीं बोला जाता। और मानने में आपत्ति क्या? कि ये जैसा भी इन्होंने कहा, गुरुजी यदि पढ़ाते तो फिर उनको बिना गुरुजी के कैसे ज्ञान में, और फिर गुरुजी को तो किसी ने नहीं पढ़ाया था, तो फिर ये कहेंगे बाबा किसी किसी को अपनी योग्यता से हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं,
तो ऐसा मानने में ये आपत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुसंग से हटो, बोलिए कुसंग से हटो, बोलो मुक्ति क्या प्रयोजन है और मानने में क्या आपत्ति है। कुसंग से हटो कहने का प्रयोजन यह है कि उनके बीच में हो जाएगा तो उन शरीर की गंदी आदतें इसको भी लगेगी, हमको उससे बचाना है इसको, यह प्रयोजन है ऐसा कहने का। वे दोस्त खराब है, मैंने कहा था ना देहरी को बच्चा टकराया, मैंने कहा था कि आपको आपको नहीं लिया, देहरी को बच्चा टकराया किसको, हतरे किसको करते हैं, हतरे देहरी को, देहरी का कोई दोष है। उसी प्रकार कुसंग में बच्चा फंस गया, खराब है बच्चे मत जाओ उनके बीच में, क्या प्रयोजन की सिद्धि हुई, उनके कुसंग में मत फंसो, उनका संग मत करो, क्या प्रयोजन, प्रयोजन की यह सिद्धि होगी उससे, उनको खराब कहा क्या कि तुम उनके बीच में जाओगे तो ऐसे दुर्गुण तुम में नहीं आएंगे, सही योग्यता है। अब यह मानने में क्या आपत्ति है, ऐसा ही मानने में क्या उनसे दुर्गुण आएंगे, यह मानने में क्या आपत्ति है, उनसे बरबस द्वेष करने लग जाएगा। और फिर ऐसा होता तो महात्मा गांधी जी जैसे दुर्जनों के बीच में रहे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, आप समझ रहे हैं, ये पकड़ रहे कि नहीं। जम्बू स्वामी को चारों पत्नियां समझाती रही रात भर और फिर भी वो नहीं भटके तो नहीं भटके, ये मानने में ये आपत्ति है। ये ऐसा मानने में एक जन दूसरे को समझा सकता है, बिगड़ा सकता है, ये मानने में ये आपत्ति भी आएगी। मोटा मोटा कथन है ये, ठीक है, चरणान योग की शैली मोटा मोटा कथन ही बताती है, सदाचार में बने रहो, कदाचार से दूर रहो, विद्वानों की संग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, कौन से नए का कथन है। इसका प्रयोजन और उसमें आने वाली आपत्ति आप मुझे बताएंगे। प्रयोजन है, प्रयोजन बोलो पहले और फिर आपत्ति बोलो, प्रयोजन बोलो और आपत्ति बोलो। उनके बीच में तुम जाओगे तो वे जैसा करते हैं वैसा तुमको भी करने का भाव उत्पन्न होगा, वे कुछ करेंगे या नहीं। देखो इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, इसके लिए उदाहरण देता हूं, जैसे कोई बच्चे वहां पर गलत काम कर रहे थे दूर, किसने कहा कि अब जरा वहां से निकलना, बस निकलना, और मुझे कुछ नहीं कहा, वो बच्चे कोई गंदे काम कर रहे, मैं वहां से नीचे गर्दन करके निकला, मुझे दूर से देखकर वो बच्चे भाग गए, मैंने उनको कुछ किया, मैंने उनको कुछ नहीं किया, लेकिन वे भग गए कि नहीं भग गए। गुरु जी हमारे ऊपर कुछ कर सकते हैं जादू, विद्वान हमारे ऊपर कुछ कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते। ऐसा होने पर भी गुरु जी के सानिध्य आने पर, सानिध्य होने पर हमारा भाव अपनी योग्यता से सुधार हुए बिना रहेगा नहीं, ठीक है। अरे लव ये चुंबक के समीप में जो भी लोहा आता है वो भी चुंबक समान होने लगता है, संगत का असर। कितना लिख दिया कबीर ने, कितना लिख दिया तुलसीदास ने संगत का, कोई बता सकेगा। अच्छे से बोलो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते तो ही फल दीन। कुछ समझा क्या बोल रहे, तीन बातें कही, क्या क्या, कदली सीप भुजंग, यदि कदली मतलब पेड़, पेड़ के पत्ते पर यदि वो जाएगा वो बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी, क्या होगी, कपूर, कपूर बनते कपूर। यदि जाएगी सीप में जल की बूंद स्वाति नक्षत्र की तो बनेगी मोती, साप में जाएगी, साप में वो जहर बनती है। आप पकड़ रहे मेरी बात को, संगत का इतना असर होता है, जिसके संग में जाओगे वैसा हो जाओगे बेटा। लेकिन ये औपचारिक कथन है सब, इसलिए समागम का साधर्म्यों के बीच उठने बैठने का उपदेश दिया जाता है तो बुद्धिपूर्वक ये करना। लेकिन पाप के उदय से यदि हमको प्रतिकूल सहयोग मिले बोलो तो फिर अर्थ ध्यान नहीं करना, ने हमको तो संगत में जाने को कहा, कुसंग से हटने को कहा, अरे तुम्हारे बस नहीं चल रहा है, अभी वो नया तर्क खड़ा करो, कौन सा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ले, तो यह मानने से आपत्ति ये होगी, कुसंग से घाटा होता है मानने से क्या आपत्ति होगी,
प्रयोजन क्या है कुसंग से? दुर्गुण होते हैं। प्रयोजन क्या है? हटने का प्रयास करो। मानने से आपत्ति क्या है? हटने का प्रयास करेंगे और हट ना पाए तो तड़पना नहीं, समता भाव रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तन है ऐसा विचार करना। पकड़ में आता है सब अच्छे से? आगे का प्रश्न, जिनागम में प्रयोग हुए विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा, अपने पढ़े पूजन में विष बेल नारी, क्या विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा, विष बेल नारी कहा, नारियों को विष की बेल कहा और उनको त्याग दो ऐसा कहा, इसका प्रयोजन क्या? आगे नियमसार में कुटुंबी जन को ठगों की टोली कहा, दौलत राम जी ने लिखा सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के है भीर, ये सब तुम्हारे स्वार्थ के साधने वाले शत्रु है, तुम्हारे शत्रु है। कौन सा नए का कथन है? क्यों? परमार्थ से, परमार्थ से कोई किसी का मित्र शत्रु है ही नहीं, अपना अपनी कसाई ही अपनी हत्यारी है, वैसे कोई किसी का हित थोड़ी ना कर सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता किसी को, समझ में आता है? कहां तक बात आई? ये प्रयोजन क्या है इसका बताइए मुझे, ये नारियों को ऐसा क्यों कहा, घर वालों को ठगों की टोली क्यों कहा, सुतदारा होइने सीरी सब स्वार्थ के बीरी क्यों कहा, क्यों कहा ऐसा, प्रयोजन क्या है? जीव उसी में रचा पचा रहता है, तरुण समय तरुणी रहते रहे, अपना युवा अवस्था अपना जीवन उनमें नहीं लगाना, उनसे कषाय होगी ऐसा जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उनसे कषाय होगी, विकार होगा उनके बीच में उठोगे बैठोगे तो, ये उपचरित असद्भुत नहीं का कथन। और परमार्थ कथन ये है, उनके बीच में रहोगे तो तुम स्वयं विकार को प्राप्त होगे, वे नहीं कराएंगे, तुम स्वयं होगे, ये परमार्थ कथन है। प्रयोजन क्या था ऐसा कहने का? तुमसे विकार, तुमको विकार से बचाना, और ऐसा होता भी है। मैंने अभी अभी उदाहरण दिया ना, मैंने उनको कुछ नहीं किया फिर भी उनमें वैसा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आता है? इसलिए एक कवि ने लिखा है स्मरणेन हरति चित्तम स्पर्शेन हरति बलम संयोगेन हरति प्राणान नारी प्रत्यक्ष राक्षसी, बोला था मैंने कभी, स्मरणेन हरति चित्तम, स्मरण करने से चित्त का हरण हो जाता है, स्पर्शेन हरति बलम, स्पर्श करने से बल खत्म हो जाता है, संयोगेन हरति प्राणान, संयोग करने से प्राणी खत्म होते अपने, नारी प्रत्यक्ष राक्षसी, उसको राक्षस आदि पदवी क्यों दी? हमारे प्रयोजन क्या है ऐसा कहने का? प्रयोजन ये है हमारा आत्मा डगमगाए ना, क्योंकि कुसंग में जाने पर आत्मा को विनाश कर ले फिर वो विपरीति बुद्धि आती है, ठीक है? निमित्त निमित्तिक संबंध है ये, कोई किसी को, और मानने में समस्या क्या है बताओ आप, मानने में क्या समस्या है ऐसा ही माने तो? हाँ, द्वेष उत्पन्न होगा, और बोलो, और ऐसा होता तो नारिया कितना उपसर्ग कर रही है मुनिराज पर आकर, आप जानते हो ना कौन, शालिनी की बात नहीं है, ये जो गौतम गणधर था ना, गौतम गणधर उसका पूर्व बहु, पूर्व का पूर्व, वो रानी था, और उन्होंने अपने दासियों के साथ भाग गई राजदरबार में से आधी रात में, क्यों? भोग भोगेंगे, और मुनिराज को रात भर बहुत उपसर्ग किया, विषय सेवन का खूब भाव रखा, फिर भी मुनिराज कैसे है? अडिग। अब विष बेल नारी तज गए, ये शत्रु है, ये खराब है, अरे कोई खराब नहीं होता भैया, ठंड खराब है भैया, तुम अपने दरवाजे बंद कर लो, ठंड को कुछ नहीं करना है, ये उपचार का कथन है। ठंड खराब है इसलिए कहा, तुम बचे रहो अपने घर में रहो, बोलो उनको बुरा कहा, प्रयोजन क्या है? तुम उनका आश्रय नहीं करने जाना, गड़बड़ हो जाएगी, उन पर विश्वास न कर बैठना, गड़बड़ हो जाएगी, तुम अपने घर में रहना, ठीक है? देखो मलेरिया क्यों होता है मालूम आपको? मलेरिया लोग कहते मच्छर के कारण होता है,
लेकिन आप जानते हो यदि मच्छर के कारण होता मलेरिया, बोलो तो वही मच्छर 10 जन को काट के गया है अभी हाल, 10 जन को क्यों नहीं हुआ? मलेरिया का परमार्थ कारण है हमारे अंदर की कमजोरी, जो कमजोर होते उसको फटाफट रोग हो जाता है, मूल कारण क्या है? कमजोरी। लेकिन फिर भी क्या बताया जाएगा? मच्छरों से बचो, ठीक उसी प्रकार इनसे बचो, किनसे? नारियों आदि आदि से बचो, कुसंगतियों से, शराब सेवियों से बचो, लेकिन मूल प्रॉब्लम क्या है? मूल, अरे हमारी कमजोरी ही, उनका दोषारोपण की बात नहीं चल रही है। एक छंद है बहुत अच्छा, उसको थोड़ा सा आप नोट ही करें। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनम्, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनम् भवति पुंसा। हिंसायतन निवृत्तेर, हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। ऊपर की लाइन में क्या कहते हैं देखो, अभी सूक्ष्म आपि न खलु हिंसा, सूक्ष्म भी सचमुच हिंसा नहीं होती, पर वस्तु निबंधनाम भवती पुंसा, आत्मा को पर वस्तु के कारण सचमुच बिल्कुल भी, बोलो, हिंसा नहीं होती, बंध नहीं होता। हिंसा इतने निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, फिर भी हिंसा इतन से निवृत्त हो जाना, परिणाम की विशुद्धि चाहते हो तो ठीक है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? शेर ने कुछ नहीं किया बकरी को, फिर भी बकरी मर गई है, बीच में वज्र की दीवार है, ठीक है। तो बकरी को यह जानना, क्या जानना? एक तो कि अपन नहीं जाए वहां पर जहां पर शेर बंदा, और जबरदस्ती से कोई घुसाए तो क्या जाने? ये जाने कि वज्र की दीवार है। तो फिर पहले वज्र की दीवार जानकर सामने खड़ी रहे, काय के लिए रिस्क ले रहे? मरी तो, और बचने का पूरा प्रयास करके यदि किसी ने ढकेल दिया तो फिर ऐसा विचार करें वज्र की दीवार। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब और एक बात इसमें कहनी, प्रयोजन और यह मानने में समस्या क्या है? जिनसेन स्वामी हुए, अपन कहते हैं खराब साहित्य नहीं पढ़ना, क्या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना, जिसमें विषय की लोलुपता बढ़े ऐसा साहित्य बिल्कुल नहीं पढ़ना। कल मैंने कहा ना गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कल कहा था कि मैंने ब्रह्मचर्य के कहा था मैंने गरिष्ठ भोजन नहीं करना। अब देखो यहां पर देखो, मुझे तो क्या कहना है, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना। कौन से नहीं का विषय? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। प्रयोजन क्या है? क्योंकि तुम्हें विकार होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसा पढ़ोगे वैसे तुम्हारे भाव होंगे। सुनो, वो जबरदस्ती से भाव नहीं कराएगा, ये बात सही है। और मानने में आपत्ति क्या है? मानने में आपत्ति है जिनसेन स्वामी, उन्होंने आदि पुराण में, मैंने कल कहा था नकशिकांत वर्णन किया, किसका? नंदा सुनंदा का। अब सुनो, तो लोगों ने आक्षेप किया इतना गंदे लिखते हो आप, हमको पढ़कर विकार हुआ, आप मुनि होते हुए लिखा। तो उनको उनको परीक्षा देने को बोली मुनि को, सबके सामने आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और क्या परीक्षा? उनको सबके सामने पढ़ के दिखाने को कहा ये पूरा प्रकरण। और सुनो, खड़े खड़े पढ़ के दिखाए कितनी देर, रोजाना थोड़ा थोड़ा, उनको कभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये मानने में आपत्ति, वो जबरन भाव नहीं बिगाड़ता। आप पकड़ रहे हैं? देखो, भगवान से सम्यक दर्शन होता है, ये मानने में क्या आपत्ति? वे तो कल हो गए ना, वैसे मान्य हो गए, ये तो मानने में आपत्ति, मानने में ये आपत्ति है। आज नरकों में भी कितने जन सम्यक तो प्रकट कर रहे हैं। और प्रयोजन क्या है फिर यहां पर लाने का, जब होता ही नहीं है? अरे अवसर बढ़ेगा यहां पर, क्या बढ़ेगा? पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अभी देखिए, कल 5 व्रतों की हमने काफी चर्चा की है,
आज इसी नए को मुझे पूरा करना है अच्छे से। अब थोड़ा सा बात को समझिए, नए पैराग्राफ में आप लिख सकेंगे, पांच व्रत संबंधी कुछ लिखाऊंगा। देखो जिनागम में ऐसा बोला गया है अध्यात्म में कि हिंसा की परिभाषा, आप सब जानते हैं हिंसा की परिभाषा क्या है, बताओ हिंसा की परिभाषा क्या? राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। पढ़ा है कभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है, अप्रादुर्भाव खलु रागादिनां भवति हिंसेति तेषामे उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। क्या बोला बोलो फिर से। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनां, नहीं नहीं नहीं, अप्रादुर्भाव खलु रागादिनां भवति हिंसेति। पहली लाइन लिख ली क्या? अप्रादुर्भाव खलु, क्या अर्थ है इसका? अप्रादुर्भाव खलु बोलो, अप्रादुर्भाव नहीं होना सचमुच। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनाम, राग आदि का नहीं होना। भवत्य हिंसेति, भवती अहिंसेति, यही अहिंसा है। कितने जन ने बात को पकड़ा, राग आदि का नहीं होना ही अहिंसा है। और नीचे मैं अर्थ आपको पूछूंगा, तेषामे उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। हाँ बराबर, तेषाम उसकी, राग द्वेष की उत्पत्ति, तेषामे उत्पत्ति हिंसेति, हिंसा इति जिनागम से संक्षेपा। क्या बताइए छंद में बोलो। हाँ ये मैंने क्यों छेड़ा इस प्रकरण में, कौन बताएगा मुझे? आपसे उत्तर चाहिए, गिफ्ट का पहुंच लेना सूर्यांश, तुम भी विचार करो ये मैंने क्यों बताया इस प्रसंग में, बोलिए। राग द्वेष का होना ही हिंसा है, राग द्वेष का नहीं होना हिंसा नहीं है, ऐसा क्यों लिया? यहां पर क्या प्रकरण है उसका? देखिए हाँ बोलो। हां राग द्वेष की उत्पत्ति ही यदि हिंसा है तो हम किसी को कभी यह नहीं बोल सकेंगे क्या, ए ऐसा चलो सोद के खाओ, इस पे मत चलो, देख देख कर चलो, ए पानी छान कर प्रयोग करो, अरे रागादि हिंसा है बाहर का क्या होता है, तो उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं बताना पड़ा क्या? ये तुम बोल रहे निश्चय से तो ऐसा ही है, लेकिन जिनको अंदर में रागादि होगा उसके बाहर में क्या क्या क्रियाएं होगी, उस क्रिया का निषेध कराया, और क्रिया का निषेध करा के बोलो अंदर के रागादि का अभाव करने का उपदेश दिया। समझ में आता है? हमने कहा रात्रि भोजन नहीं करो, बोलो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो कोई ये बोले निश्चय का कथन, अरे आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, कोई ऐसा उत्तर देवे हमको, उसको कैसे अप्रोच होगा? नहीं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं से जीव खाता पीता है, और प्रयोजन क्या है फिर उसका जब खाता पीता नहीं परमार से? प्रयोजन यह है व्यवहार का बोलो कि खाना छुड़ा कर वो बाहर का खाना खा तो सचमुच नहीं रहा ये मानते हम, लेकिन वो अंदर के राग उत्पत्ति का परिचायक है, अंदर तुमको राग उत्पन्न हुआ है ये वो दिखाता है, और अंदर राग उत्पन्न हुआ है तो बोलो तो तुमको बंध होगा, और हम क्रियाओं का भी सुधार का उपदेश देते हैं बोलो, वो भी परिणाम के सुधार के लिए देते हैं, ऐसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, ऐसा उठो बैठो मत, ये जितना उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन चलेगा ठीक है, वो काय के लिए चलेगा? घास पर नहीं चलना, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन का क्या प्रयोजन है जब जीव चलता ही नहीं, घूमता ही नहीं, किसी पर पैर अस्पर्श तत्व है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है
तुम्हारे राग आदि को सीमित करना, और ऐसा ही माने तो क्या आपत्ति है, ऐसा ही माने तो क्या आपत्ति बताओ? हाँ, ऐसा ही माने तो आपत्ति ये है कि बाह्य जीव की दया के पालने में ही धर्म माने, बात एक। और दूसरी बात, मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चलते चलते यदि अचानक कोई जीव आकर मर जाए उनके पैर के नीचे, तो जानते हो उनको कोई पाप बंद नहीं कहा। क्यों? उनको राग आदि नहीं है। दोनों अपेक्षाएं समझना, प्रयोजन क्या कहा और आपत्ति क्या है मानने में, ठीक है। अभी ये नहीं होता तो हम उसको कुछ भी लौकिक मर्यादा को उपदेश नहीं दे सकते थे। रात में नहीं खाना, दिन में खाना, अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना, ये हम नहीं बोल सकते थे उसको। इस नए ने हमको इतना बोलने की गुंजाइश छोड़ी। लेकिन ये कथन सत्य है कि झूठ है? फिर खाता है कि नहीं खाता है? कथन तो झूठ ही है। फिर बोलना क्यों? क्योंकि उससे कुछ प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। चाचा नहीं है हमारे, फिर भी चाचा क्यों बोला? प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। क्या हो रही है? क्या सिद्धि हो रही है? बस में सीट मिल रही ना बैठने को, चाचा जी थोड़ा सा रखना, तो चाचा भी नहीं बोलते क्या? हम उसको चाचा है नहीं, कहो सिद्धि के लिए कहो। कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही, मुफ्त में मत बोलो। लेकिन परमार्थ से वैसे नहीं मान लेना, पकड़ रहे? बहुत अच्छी बात ली है। अभी समय सर अपने को देखना ही आज, तो उसके मैं दिखाऊंगा आपको उसका भी आधार आज। आगे आगे सुनिए सब, देखिए। मूर्छा परिग्रह, पांचों पापों को लेते हैं। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह की क्या परिभाषा बताई अध्यात्म में? मूर्छा परिग्रह, मोह ही परिग्रह है, मूर्छा ही आसक्ति ही परिग्रह है। अभी मैंने ये क्यों टॉपिक छेड़ा यहां पर, कौन बताएगा मुझे जल्दी? ये क्यों बोला मैंने टॉपिक, क्यों बोला ये टॉपिक? परमार्थ से तो मोह ही परिग्रह है, लेकिन ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये 10 प्रकार के परिग्रह भी बताए। 10 प्रकार के परिग्रह जानते हैं आप? 10 प्रकार के परिग्रह, घर, वास्तु, क्षेत्र, सोना, चांदी, दास, दासी, कपड़ा, बर्तन, 10 परिग्रह बताए। फिर ये क्यों बताए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं? इसलिए बताए क्योंकि अंदर में मोह होगा तो चोर की दाढ़ी में तिनका वो पकड़ा जाएगा बाहर की क्रिया से। अरे सब अंदर ही अंदर हो काम, ऐसा कैसे काम चलेगा? बाहर से कुछ ना कुछ दिखना चाहिए ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध उसका होता है। अंदर बुखार आया है, बोलो आश्रय किसका लेते हैं? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर हमको ज्ञान कराता है कितना बुखार है। उसी प्रकार बोलिए बाहर की क्रियाएं ज्ञान कराती है अंदर के राग की, और जो बाहर के राग, बाहर के, फिर सुनो, और बाहर की क्रिया का सुधार को उपदेश देते हैं, बोलिए, वो भावों के सुधार के लिए देते हैं फिर, क्योंकि फल तो भावों से ही लगता है, ये बात पक्की है, ठीक है। आप समझ रहे सब मेरी बात को? क्रियाओं से कोई फल नहीं लगता, लेकिन उपदेश पूरा क्रियाओं से चल रहा है, और वो भी सर्वथा प्रयोजन भूत नहीं है। क्यों? क्योंकि भावों का भी सुधार हुए बिना रहेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, फिर आगे बात को बढ़ाता हूं। देखिए, एक आदमी था, बहुत शराब पीता था। घर वालों ने बहुत चाहा उसकी शराब छूटे, नहीं तो नहीं छूटी। ले गए उसको एक आश्रम में। वो पहले, मैं नहीं आऊंगा उसके पास, मैं तो शराब पीऊंगा, मैं तो, अरे तू एक मिनट चलना हमारे साथ। साधु के पास गया, साधु को पता चला ये बोल रहा है कि मैं तो शराब पीऊंगा। मैं शराब, साधु ने कहा ठीक है ना, तुम शराब पीना बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें। क्या किया मालूम उसने? जामा पहनता था ना वो साधु, जामा, क्या वो भगवे कपड़े पहनते ना साधु, वो एक जामा तुमको उसको दे दिया। बोले तुम इसको पहनना बस रोज, तुमको शराब नहीं छोड़ना, तुम खूब बोतलें पीते जाओ, तुम्हें भेष पहनो बस, ठीक है? बोले अब क्या काम? गया घर पर, भेष पहन लिया, साधु जैसे दिखने लग गए वो।
अब वो शराब पीने के लिए तो पूरी छूट रखी थी, गया शराब खाने में, जैसा ही शराब खाने में जाने लग गया, सब सब बोले अरे 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 साधु आ गए साधु आ गए साधु आ गए, धड़ाधड़ दुकान बंद दुकान बंद। अरे ये बोले ये क्या हो रहा है, बोले जोर जोर से दौड़ तो ए रुक शटर बंद बंद, एक बियर साहब माफ करो माफ करो, बियर बियर यहाँ पर कुछ नहीं, माफ करो माफ करो, हम नहीं बेचेंगे बिल्कुल। अरे तुम कैसे मजा करते हो, मुझे शराब दो भाई पीने। नहीं नहीं साहब हमको माफ करो हमको माफ करो। और उसको बोला था तुम कुछ भी होने पर 15 दिनों भेष नहीं उतारना, और क्या शराब तो खूब पीना, लेकिन तकलीफ इतनी होने लग गई जहां पर भी जाता शराब की दुकान ही बंद हो जाती हो। शराब अब 15 दिन उसको शराब ही नहीं मिली, कहीं साधु आ गए महात्मा आ गए उसको पैर छूने लग जाए, महात्मा जी आ गए महात्मा जी की जय, बोलो महात्मा जी की जय, शराब छपाने लग जाए। बोलो 15 दिन में उसकी शराब छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये क्रियाओं का इतना फल होता है भेष का, आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए हमने कहा रात्रि भोजन नहीं करना आदि आदि। क्रियाओं का कितना फल, आपके भाव में सुधार हुए बिना रहेगा नहीं। रावण चाहता था सीता को अपनाए, लेकिन क्या दिक्कत हुई मालूम, फिर वो हानि कर रही थी। फिर एक दिन एक बात हुई, बोले राम का भेष बना के जाओ तो, बहुरूपी था ये, राम का भेष बनाकर सामने खड़ा हो गया। आ गए लौट के, मंदोदरी ने कहा क्या बात है, तुम राम बन के गए तभी तो सीता अपनाना चाहिए थी तुमको। कह रहे मुझे ही भाव नहीं उत्पन्न हुआ, मैं स्वयं को राम देखने लग गया, मुझे वो बिल्कुल नहीं लगा उसके साथ छेड़छाड़ करे। मैं क्यों कह रहा हूं ये, जैसा भेष बनाओगे वैसा भाव होगा आपका, क्रियाओं के अनुसार भाव होगा। इसलिए क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है, माना ये झूठा है सब, ये माना भेष पहनने से शराब नहीं छूटती, लेकिन शराब सुनो लेकिन छूटे बिना भी रहेगी नहीं, इससे तो नहीं छूटेगी लेकिन छूटेगी जरूर। क्या बोर हो रहा है क्या, हर प्रकार से विषय मंचना चाहिए आपको, और आज ही का दिन है, फिर कल से दूसरा नहीं चालू होगा। आइए अभी ब्रह्मचर्य की परिभाषा, ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी, ब्रह्म स्वभाव बोलो नहीं। ब्रह्म स्वभाव में रमण करना ब्रह्मचर्य है, मैंने यहां पर क्यों याद किया बताओ, ये निश्चय की परिभाषा, आत्म स्वभाव में रमण करना ब्रह्मचर्य, बोलो व्यवहार बताना पड़ेगा कि ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है तो स्व स्त्री में संतोष है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है तो बिल्कुल स्त्री नहीं है, क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा में स्थिरता कम ज्यादा थोड़ी दिखती है बाहर से, अनुव्रत है महाव्रत है तो स्थिरता तो नहीं दिखेगी, तो बाहर से वो क्रिया के माध्यम से समझ में आएगा। अपनी स्त्री में संतोष है, कई पराई माँ बहन पर कोई दृष्टि नहीं लगाता, यह अनुव्रति है। क्यों? सच्चा अनुव्रत तो आत्मस्थिरता है, लेकिन भैया महाव्रत भी आत्मस्थिरता है, अनुव्रत भी आत्मस्थिरता है, ये बाहर से थोड़ी ना आत्मस्थिरता दिखेगी, बाहर से तो दिखेगी क्रिया है। और यहां पर कुछ गड़बड़ करने का अवसर नहीं है, नहीं तो सभी ब्रह्मचारी कहलाएंगे और सभी चाहे जो कुछ कहेंगे करेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? और परिणाम विकृत हुए बिना स्त्री सेवन का भाव नहीं होता, और महाविकृत हुए बिना पर स्त्री सेवन का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और एकदम विशुद्ध हुए बिना महाव्रत लेने का भाव नहीं होता ब्रह्मचर्य महाव्रत, और सुनो अल्प विशुद्धता हुए बिना ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने का भाव उत्पन्न नहीं होता। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो एक निश्चय की परिभाषा कहेंगे तो उपचार कैसे चलेगा लोक में, हम कैसे पहचानेंगे? वे कोई एक नारी रखकर कहेगा हमको भी ब्रह्मचर्य, हम भी ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं काम चलेगा, उलट पुलट हो जाएगी व्यवस्था। समझ में आता है? चोरी की परिभाषा करिए अध्यात्म में, स्तेयम अज्ञानम, अज्ञान भाव ही चोरी है। क्यों? वो अपने अपसहावम गोपंती, अपने आत्म स्वभाव को छिपाता है। तारण समझ का है यहां पर कोई? कोई नहीं। तारण स्वामी के ग्रंथ का मैंने बोला, स्तेयम अज्ञानम अपसहाव गोपंती, आत्म स्वभाव को छिपाता वही चोर है, यह मानने में क्या आपत्ति है? आपत्ति यह बात कथन सही है कि झूठ है? बोलो कथन सही है कि झूठ है? कथन सही है कि झूठ है? बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन बाहर से तो कुछ नहीं दिखेगा इसका।
तो नहीं दिखे तो नहीं दिखे, अरे ऐसे कैसे चलेगा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा फिर, समझ में आता है? और क्यों तू ना, हमारा भाव अच्छा, हमारा भाव अच्छा, ठीक है, फिर तुम्हारे घर का हम सामान उठाएंगे और हम कहेंगे हमारा भाव अच्छा है, तो तू बर्दाश्त करेगा क्या? समझ, तो तू बर्दाश्त नहीं कर रहा ना फिर, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर? तू मानता है दूसरों को बिना किसी का हड़प किए वो चोर नहीं है ऐसा मान सकता है? हड़प कर रहे तुम्हारे घर की चीज आकर, उसको वो चोर नहीं है ऐसा स्वीकार करोगे? तो सभी जन आकर हड़प करेंगे फिर तुम्हारा, और यदि तुम चोर कहोगे तो तुम भी बचो बाह्य सामग्रियों से, उसकी दूसरों की सामग्री छेड़छाड़ मत करो। ये परमार्थ की परिभाषा के साथ व्यवहार बताना जरूरी है। अणुव्रत महाव्रत कैसे सिद्ध होगा? तिल तुष मात्र भी मुनिराज परिग्रह नहीं रखते, कैसे कह सकेंगे फिर अपन? और यहां तक कि बोला है, देखो जिनको पूर्ण स्वरूप गुप्त रहना है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिनको पीना है उनके लिए मर्यादा बताई जाएगी, खाना है उनके लिए मर्यादा बताई जाएगी, जिनको स्त्री सेवन करने का भाव उत्पन्न ही नहीं होता उनकी कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन जिनको उत्पन्न हुआ है उनको बोला जाएगा तुम्हारी ये मर्यादा है। ये किसने बताया? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारी स्त्री, ये तुम्हारे बच्चे, ये तुम्हारी हिंसा की मर्यादा, झूठ की मर्यादा, चोरी की मर्यादा, ये सब स्त्री सेवन की मर्यादा, सब मर्यादा ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से क्यों भोक्ता दिखाता है परद्रव्य को? और लोक की रीति नीति कैसे सेट होगी? पराई मां बहन की तरफ दृष्टि नहीं उठाना, वो तुम्हारी नहीं है, अरे सब वो भी अपनी नहीं, ये भी अपनी नहीं, क्या स्वस्त्री भी परस्त्री ही है परमार्थ से, परस्त्रीवत स्वस्त्री भी परस्त्री है परमार्थ से, परस्त्री के ही है दो भेद। ऐसा होने पर भी तुम्हारा राग उत्पन्न होगा तो तुम इच्छा यही तक दौड़ाना, परमार्थ से फिर कोई किसी को मार भी नहीं सकता कहकर खूब डंडे बरसाए तुम्हें तो कितना चिल्लाओगे तुम? अभी समय सार खोलिए जल्दी, धड़ाधड़ दो चार बातें दिखाऊंगा बस करेंगे फिर। समय सार की 46वीं गाथा की टीका खोलिए जल्दी, समय सार की 46वीं गाथा की टीका मिल रहा है सबको? देखिए परमार्थ नहीं तो भावार्थ मिल रहा है, भावार्थ देखिए देखिए टीका टीका देखो टीका टीका, यह सब ही अध्यवसान भाव जीव है ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, वह यद्यपि व्यवहार ने अभूतार्थ है तथापि क्या प्रयोजन की सिद्धि होती? देखो इसको व्यवहार ने को भी बताया है, क्योंकि जैसे म्लेच्छ भाषा म्लेच्छों को वस्तु स्वरूप बतलाती है उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है, इसीलिए यह भाषा हमको क्यों बताई? क्योंकि हम लेच्चे, हमको खाने पीने का भाव उत्पन्न होता है ना, इसलिए यह उपदेश है, नहीं होता तो नहीं बताते। देखो मैं कहता हूं मुनिराज को चार हाथ देखकर चलना, ठीक है, कम बोलना, केश लोच करना चार महीने में, लेकिन कोई मुनि को चलना ही नहीं हो, बाहुबली चले ही नहीं, साल भर खड़े रहे, उनको कोई रोक लगी है? उनको बोलते साहब आपने तो केश लोच ही नहीं करी, सब आप तो देखकर नहीं चले, अरे मैं चला ही नहीं तो देखकर चलने का क्या सवाल है? सब आप तो इरिया समिति एशना समिति, आपको वो भूख से कम खाना, अरे कम खाना ज्यादा खाना मुझे, मैंने खाया ही नहीं, कह रहे तुमको क्यों समझा रहे व्यवहार से? क्योंकि तुम व्यवहार मूड हो, तुमको उसके बिना काम नहीं चलता, कपड़ा पहनते हो तुम तो तुमको बताना पड़ा सूती पहनो, तुम नहीं पहनते तो हम थोड़ी ना तुमको बोलते, ठीक है आइए। इसलिए अपरमार्थ भूत होने पर भी, अंडरलाइन क्या कहा, क्या कहा, अपरमार्थ भूत मतलब, अपरमार्थ भूत मतलब झूठा, अपरमार्थ मतलब असत्यार्थ, अयथार्थ, तुमने क्या बोला मुक्ति, वेरी नाइस। होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, किसकी प्रवृत्ति के लिए, धर्म चलने के लिए बतलाना न्याय संगत ही है प्रयोजन, परंतु यदि व्यवहार ने न बताया जाए, यदि व्यवहार ने को नहीं बताए तो परमार्थ से जीव शरीर से भिन्न बताए जाने के कारण, परमार्थ से कैसा है, परमार्थ से तो शरीर से भिन्न है और उपचार से शरीर वाला है, ये दूसरा नहीं भी लग सकेगा यहां पर, क्या बोला,
दूसरा नहीं भी लग सकेगा, पहले भी नहीं लग सकेगा। पहला और दूसरा कैसे लगेगा अपेक्षा बताओ, अपेक्षा बताओ कैसा लगेगा पहला और दूसरा। देखो कोई जीव उस जीव को मार रहा है, यह दोनों में संबंध स्थापित किया तो यह उपचरित सद्बुद्धि व्यवहार है। और उस जो मारा जा रहा है जीव, भैया वो शरीर ही नहीं मर रहा है, जीव को भी पीड़ा हो रही है, वो जीव ही है, उसी का ही है वो शरीर, तो वो अनुपचरित सद्बुद्धि व्यवहार है। तो तरकीब से समझना, दोनों नहीं बैठेंगे इसमें, कल और लूंगा इसको, दूसरा नहीं चलेगा ना तो उसमें और देखेंगे। परमार्थ से जीव शरीर भिन्न बताए जाने के कारण जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा का अभाव है, उसी प्रकार तस्थ और जीवों को निशंकतया मसल देने कुचल देने में भी हिंसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। क्या बोल रहे, जैसे राख को मसल देते हैं तो कोई पाप लगता है क्या? कुछ नहीं। वैसे कीड़े मकोड़े को मसल देने से भी फिर पाप नहीं लगेगा और फिर वो मसलता जाएगा रोज, तो उसको बताना व्यवहार परमार्थभूत है। समझ में आता है? नहीं नहीं साहब, व्यवहार तो कहवत का है। ठीक है, तुम कहवत के डंडे पाड़ेंगे तुम्हारे ऊपर फिर अभी, ठीक है? नहीं साहब, हम तो डंडे कहने के हैं बस। तो ये बात है। और चलिए ये खोलिए आप, 46वीं गाथा खोलिए जल्दी, 47वीं खोलिए, 47वीं। यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, दो तीन मिनट में मैं अपना पूरा करूंगा, आप घर पर रिफर करना। राजा सुनो 47वीं गाथा, पूरी सेना लेकर निकला है, सुनो, पांच योजन, कितनी सेना है उसकी, उसको उपचार से बोलते हैं राजा पांच योजन में चला। क्या बोला जा रहा है? राजा क्या पांच योजन में है क्या? और राजा पांच फुट का आदमी है, लेकिन पूरी सेना को उस पर आरोपण किया। उसी प्रकार जीव को संयोग से मिला के बात करता है वो। अभी आगे भी एक कलश आएंगे, कौन से कलश, 24-25 कलश खोलो जल्दी, 24-25 कलश, 24-25 कलश मिल रहा है जल्दी, कल नहीं लेना है फिर इसको, मुझे वाइंड अप करूंगा मैं आज इसको। 24 कलश का अर्थ देखो सीधा, तीर्थंकर आचार्य वंदनीय है, कैसे है वे, अपनी शरीर की कांति से 200 दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं। कौन सा नए है ये? दोनों नहीं बैठेंगे मुक्ति तरकीब से। अपना शरीर बोला वो अनुपचरित सद्बुद्धि व्यवहार ने, मैं भूमिका जमा रहा हूं अभी, दूसरे नहीं की चालू हो गई है, और दिशाओं को प्रभावित करते हैं ये उपचरित सद्बुद्धि व्यवहार ने, वेरी नाइस। छत्र वाले है भगवान, बोलो कितने भगवान को कितने छत्र रखने चाहिए? 3 रखने चाहिए। तो भगवान को छत्र वत्र होते है क्या? भगवान तो रूपी है, उपचरित कथन चलेगा, तो 3 होने चाहिए उपचरित सद्बुद्धि व्यवहार ने का कथन। आगे बढ़ो, 200 दिशाओं को निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि का तेज को ढक देते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। अपना रूप मतलब अनुपचरित सद्बुद्धि व्यवहार ने, शरीर की बात है, अतः बाहर का भी लगा सकते, समोचरण का तामझाम, दिव्य ध्वनि से कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं, और वे 1008 लक्षण वाले हैं। भगवान कितने लक्षण वाले? 1008 लक्षण। कौन कौन से मालूम? कमल है शरीर पर, स्वस्तिक है, 1008 लक्षण पता है। तीर्थंकर के शरीर पर 900 तिल मसा होते हैं और 108 स्वस्तिक, ओम, शंख, कमल, ऐसे ऐसे चित्र बने रहते। आप देखना कभी भगवान का पैर होता है वहां पर कमल वगैरह स्वस्तिक कुछ ना कुछ होता है, ऐसे चिन्ह 108 होते हैं, अपन बनाते नहीं है क्यों, और वास्तव में तीर्थंकर ऐसे चिन्ह वाले ही होते हैं। टट्टू लगाए समान, क्या कहते हैं आप उसको, टैटू क्या कहते हैं, पाटू क्या कहते हैं, जो भी लगाते हैं वे वैसे वो रहते भगवान भी। हमने क्यों नहीं लगाए फिर यहाँ पर, कोई टैटू लगाए फिर आकर? अरे हम फिर भगवान की वितरकता हमको ख्याल में नहीं पड़ेगी, वैसे उनका शरीर इतना बड़ा होता है उससे वितरकता खत्म नहीं होती उनकी, समझ में आता है। चलो मुझे क्या कहना है, और कोई बनाए तो आपत्ति तो उसमें भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये कौन से नए का कथन हो गया, ये अनुपचरित सद्बुद्धि व्यवहार ने का, 1008 लक्षणों से युक्त। सच्चा लक्षण क्या है बोलो, परमार्थ से अनंचद वितराग, और परमार्थ से लक्षण बोलो, उपयोगो लक्षणम, ज्ञान ही उनका लक्षण है।
क्योंकि भगवान कहना उपचार का कथन है पर्य की तरफ से, परमार से तो वो जीव है। कितने जन ने बात को पकड़ा, महावीर का चिन्ह क्या है बोलो, कौन से नए से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। अनुपचरित क्यों? अंगूठे पर है ना वो चिन्ह, बाहर रहता है यदि कोई बाहर रखा है तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। और अंदर चलो बोलो उनका चिन्ह, अभी चर्चा चलेगी कल परसों, अभी कब चलेगी, चौथे नए से उनका लक्षण वीतरागता, आठवें नए से लक्षण ज्ञान उपयोग लक्षणम, चौथे नए से भी उपयोग लक्षणम कह सकेंगे। ए, पकड़ रहे आप लोग? अभी आगे का एक कलश देखे, 25वां, जल्दी 2 मिनट आगे चले गए, 25वां कलश मिला। देखिए 25वां कलश में कहा, पढ़ लेना, राजा का राज्य का वैभव देखना हो, नहीं नहीं ऐसे लिखा, कोट से, किलो से, हाँ, नगर की शोभा से, बोलो किसकी शोभा ख्याल में आती है? राजा की, राइट, वैसे ही मैं बोलता हूं, मंदिर की क्लीनलीनेस से किसकी महिमा आती है? मंदिर की, मंदिर को देखकर किसका ज्ञान होता है झटके में? समाज का, पूरे वो विद्वान का। हाँ, समाज बहुत अच्छी है, मंदिर से निर्णय होता है, तो है ना। चक्रवर्ती की सेना से किसका निर्णय हुआ? राजा कैसा होगा, क्यों कह रहा हूं ये? बाहर के सहयोग से जीव की पहचान कराई जा रही है, ऐसी ये है, ठीक है। और सुनो अंतिम, और बच्चों से बोलो, माँ बाप की एक छंद लिख लो, जैसे जिनके नाले नदिया, जैसे जिनके नाले नदिया, वैसे उनके भरका, जैसे जिनके नाले नदिया, वैसे उनके भरका। भरका मतलब गड्ढे, नाली छोटी बड़ी होगी, नदी छोटी बड़ी तो गड्ढे भी छोटे बड़े होते हैं। जैसे जिनके बाप महतारी, महतारी मतलब माँ, माँ को महतारी कहते हैं, मराठी में तो महतारा और महतारी कहते हैं। जैसे जिनके बाप महतारी, वैसे उनके लड़का, जैसे माता पिता वैसे बच्चे, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। ये कौन से नई की बात चल रही है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से लोक में ऐसे सब प्रचलन है, ये लोक का भी प्रचलन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहते ना बिल्कुल पिता पर गए है तो आप देख लेना, ये सब आधार मिलेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 233 पेज के टॉप पर भी मैं ही पढ़ के दिखा, तो आप बस सुनिए, बस अंतिम आधार है, फिर थोड़े से के लिए मेरा विकल्प न रह जाए। 233 पेज आपके पास भी है क्या? 233 पेज देखो मैंने क्या छाट रखा है, देखो, इस प्रकार अनशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से इसे व्यवहार तप कहा। हाँ, व्यवहार और उपचार का एक अर्थ है। अभी यहां पर एक उदाहरण दिया है, जैसे अन्नम वही प्राण, मैंने दिया था उदाहरण, अन्न को प्राण कहते हैं, कौन सा नए का कथन? अन्न को प्राण कहना, सुनो, चेतन को प्राण कहना, अभी अभी वो नहीं लिया है मैंने, आपको वो नहीं लिया है, आगे आएगा। चेतन को प्राण कहना चौथा नहीं बताने वाला हूं मैं, अथवा आठवां नहीं। सुनो, पांच इंद्रिय मन वचन काय बल को प्राण कहना, बोलो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, अभी शरीर शरीर की बात है ना। और सुनो, अन्न को प्राण कहना उपचरित असद्भुत व्यवहार में, कितने जन ने बात को पकड़ा। लेकिन सुनो, टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, दृष्टांत अब बाद में पढ़ लेना, होमवर्क दे रहा हूं मैं। ऐसे लिखा है, अन्न को प्राण कहा है, उसका प्रयोजन क्या? भोजन करे टाइम टू टाइम। कोई चेतन ही प्राण है मानकर बैठे और भूखा रहे, बचेगा नहीं, मर जाएगा। मानने में समस्या क्या है? मानने में समस्या ये है, बोलो, अन्न को वैसे ही स्टोर करता रहे गोडाउन में, और बोलो जो मूल 10 प्राण है उसको ना पहुंचाए तब भी मरेगा, अन्न नहीं लाएगा तो भी मरेगा, अन्न को मात्र स्टोर करेगा तो भी मरेगा। उसने ये नहीं जाना कि अन्न को प्राण कहा है, वो इस 10 प्राण की अपेक्षा कहा है। ये 10 प्राण उपचार है मूल, और ये उपचार का उपचार है। आप पकड़ रहे सब बात को? अपनी इसको ऐसे बोल सकते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ये उपचार, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ये उपचार का उपचार। पकड़ रहे? आज हमारा पहला नहीं,
जैसा मैंने दिमाग में सोचा था ये बिंदु लेना, आप लोग बहुत मुझे सहयोग करते हो सच पूछो तो, इतनी देर बैठते हो, इतने छोटे होते हुए भी आपको दिन भर भी यही करना पड़ता है, मुझे दया भी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको टू द बेस्ट पूरा माल मिले, आपको कुछ भी नहीं छूटे आपसे, ठीक है। ओम नमः।